सॉरी मॉम, कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम तीनों कब समझोगे कि बच्चे माँ का दिल होते हैं और दिल ही दिल को तोड़ दे तो भी माँ उन्हें फेंक तो नहीं सकती ना। लेकिन तुम्हारे भाई ने हमारी एक नहीं सुनी और फिर तुमने हमें मजबूर कर दिया पृथ्वी, तो माफी तो हमें देनी ही पड़ेगी ना। लेकिन जरा उसका हम क्या करें, क्या होगा? उस लड़की ने हमारे बेटे को अपने वश में कर रखा है। नहीं मॉम, आई नो आप भाभी को लाइक नहीं करती है। मैंने भाभी के साथ टाइम स्पेंड किया है एंड शी इज एक्चुअली रियली रियली स्वीट। वो बस हम सबके घर में चिंता करती रहती है पूरा टाइम। वो जब घर आई थी ना तो उन्होंने सबसे पहले मुझे थैंक यू बोला अपने डैड के लिए, फिर सॉरी कहा मेरे और जानवी का रिश्ता टूटने की वजह से, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम दोनों को मिलवाएंगी। भाभी ने वो सब कुछ किया मॉम जो वो कर सकती थी। ABCD पढ़ना हमने तुम्हें सिखाया, अब इंसानों को पढ़ना तुम हमें सिखाओगे पृथ्वी। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि हमारी फैमिली। वाह अच्छी बात है, फैमिली के बारे में फाइनली तुम सोचने लगे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो काम तुम कर रहे हो ना पृथ्वी, ये हम सालों से करते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके पसंदीदा टीवी शो की हर एक खास खबरें। आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के हिट शो दिल को तुमसे प्यार हुआ के नए एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में दीपिका की जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है और उसकी कहानी ने सबको हिला कर रख दिया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि लवण्या ने दीपिका की जमकर बेइज्जती की। ये सब तब शुरू हुआ जब लवण्या ने अपने नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। उसने दीपिका को अपने उत्पादों का फर्स्ट वॉलेट बना दिया। ये सुनकर दीपिका और चिराग को बेहद बुरा लगा, लेकिन लवण्या ने इसे एक प्रयोग के रूप में पेश किया। उसने दावा किया कि दीपिका एक महीने में काली से गोरी बन जाएगी। लवण्या के इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर चिराग बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया है। चिराग जो घर से दूर था, वीडियो कॉल के जरिए ये सब कुछ देखता है और उसकी चिंता बढ़ जाती है। वो नहीं समझ पाता कि दीपिका की मदद कैसे करे। दीपिका की इस सिचुएशन ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया है, लेकिन दीपिका ने हार मानने की बजाय खुद के लिए खड़ा होने का फैसला किया है। उसने सबके सामने कहा कि उसे अपने काले रंग से कोई भी समस्या नहीं है। उसने बताया कि उसका असली मूल्य उसके माता पिता से है, ना कि उसके रंग से है। दीपिका का ये आत्मसम्मान और हिम्मत सचमुच काबिले तारीफ है। लवण्या ने दीपिका की बातों को अनसुना करने की कोशिश की और दीपिका का माइक बंद करवा दिया, लेकिन दीपिका की बातों का असर सब पर पूरा हुआ। दीपिका की बातों ने न सिर्फ उसकी आत्म प्रेरणा को दर्शाई, बल्कि ये भी दिखाता है कि सच्ची सुंदरता और मूल्य केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर की पहचान से, अंदर की आत्मा से भी होती है। दूसरी ओर जानवी से पृथ्वी को बेवकूफ बनाकर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। ये दृश्य शो को और भी ज्यादा तनावपूर्ण और ड्रामेटिक बना देता है। जानवी का ये कदम आगे की घटनाओं को और भी ज्यादा दिलचस्प बना सकता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने हमें बहुत सारे इमोशनल और ड्रामा का सामना करवाया है। दीपिका की हिम्मत, लवण्या की चालाकी ने शो को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। आपको इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है, ये हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।